से दोस्तों ध्यान रहे कि आपका एडमिशन चालू हो गया, लास्ट 5 अक्टूबर तक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको कितना पेमेंट लगेगा, सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोग के अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू जॉब पे। दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा यूजी वोकेशनल कोर्स सेशन 2024 से 25 के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो है जारी कर दिया गया है। आपको दोस्तों किस तरीके से डाउनलोड करना है, आज के इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपने भी इस कोर्स के लिए आवेदन किया था तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों, कितना पेमेंट लगेगा, एडमिशन का लास्ट डेट क्या होने वाला है, सारा जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक जानकारी इस चैनल पर डालते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं आपको ये जो ऑफर लेटर दिख रहा है आपके सामने में, ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, फिर इसके बारे में हम समझाएंगे इस ऑफर लेटर के बारे में, इसमें क्या क्या दिया हुआ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको आना होगा गूगल में। ठीक है, गूगल में आप लोग आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लिखना है dreamtojob.com। ठीक है, ये लिख करके सर्च मारिएगा तो मेरा वेबसाइट ओपन होगा इस तरीके से, या तो फिर आपको दोस्तों गूगल में लिखना है क्या चीज, तो मगध यूनिवर्सिटी यूजी वोकेशनल मेरिट लिस्ट 2024 लास्ट में ड्रीम टू जॉब लगा दीजिएगा, तो डायरेक्ट ये वाला लिंक आपके सामने में खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो जहां से भी दोस्तों जाइए आपका मर्जी हो। ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं होम पे। होम पे दोस्तों आने के बाद आपको आना है नीचे यूनिवर्सिटी वाले अपडेट में आएंगे, तो यूनिवर्सिटी वाले अपडेट में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोस्तों मगध यूनिवर्सिटी यूजी वोकेशनल मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, या तो दोस्तों आप यहाँ पर नहीं पहुंच पाइएगा तो डायरेक्ट ये वाला पोस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, इसका डायरेक्ट कॉपी करके मैं दे दूंगा। ठीक है, वहां पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आ जाएंगे बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको सीधे नीचे आना है। जैसे ही आप सभी लोग नीचे आइएगा तो सबसे लास्ट में दोस्तों आपको हम यहाँ पे लिंक दे रखे हैं सारा डाउनलोड करने का, चाहे तो आप कट ऑफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं यूजी वोकेशनल फर्स्ट लिस्ट डाउनलोड कट ऑफ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कितना कट ऑफ हुआ है ये आपको दिखाएगा। और जो अभी मैंने आपको प्रोविजनल लेटर दिखाया ये वाला, जो कि आपको तो लगने ही वाला है एडमिशन में, तो वो वाला डाउनलोड करने के लिए आपको दोस्तों इस वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। ये जो सेकेंड वाला आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट लिस्ट प्रोविजनल लेटर डाउनलोड क्लिक हेयर, तो इस पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। ठीक है, और इस पे देखिए और भी बहुत सारा जानकारी इस वेबसाइट पे, अभी हम बताएंगे डॉक्यूमेंट पेमेंट के बारे में। फिलहाल इस पर दोस्तों क्लिक करते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में लॉगिन का पेज खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपको डाल लेना है। यूजर नेम आपको मिला होगा जब आपने इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था तब। ठीक है, और पासपोर्ट की बात करें तो आपका नाम का 4 पहला लेटर, और बाकी दोस्तों आपका DOB, DOB मतलब बोले तो डेट ऑफ बर्थ आपको लगा देना, वही आपका पासपोर्ट हो जाएगा। बाकी ये वाला जो आपको कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों डाल करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सभी लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप सभी लोग अपना डैशबोर्ड में कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको वेलकम करके अपना दोस्तों नाम दिखाएगा। ठीक है, और ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देगा डाउनलोड ऑफर लेटर, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सभी लोग डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने में आपका ऑफर लेटर डाउनलोड होकर के आ जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपको अपना सारा डिटेल दिखेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी क्या है सारा कुछ, और आपका जो भी कॉलेज में एडमिशन के लिए चयन हुआ होगा यहाँ पर आपको दिखाएगा कॉलेज नेम। मैं आपको यहाँ पर ले जाकर के अब सीधा बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि पर्सनल डिटेल में आपको दिखा नहीं सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका डाउनलोड होगा और यहाँ पर आपको दिखाएगा अपना कॉलेज नेम, इसी कॉलेज में आपको एडमिशन करवाना है, जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा मतलब इसी कॉलेज में आपका जो है एडमिशन के लिए चयन हुआ है, और जो भी आपने यहाँ पे दिया था यहाँ पे कोर्स आपका सब्जेक्ट बताएगा। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंशियल नंबर यहाँ पे बताएगा, ये वाला कॉलेज में मांगा जाएगा जब इसको आप लेकर के जाएंगे एडमिशन के लिए तो। ठीक है, और आपका जो एडमिशन का लास्ट डेट है दोस्तों वो 5 अक्टूबर तक रखा गया, मतलब 26 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक ही आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं कि एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पेमेंट आपका कितना लगने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों हमारे वेबसाइट पर ही सारा चीज मैंने बता दिया है, आप सभी लोग वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग दिख जाएगा फी के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी कैटेगरी का मैंने यहाँ पे फी दोस्तों दे दिया है। ठीक है, और अब डॉक्यूमेंट की अगर हम बात दोस्तों करते हैं तो डॉक्यूमेंट का भी लिस्ट यहाँ पे मैंने लगा रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी लोग जो आपका एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट लगेगा, सबसे पहले आधार कार्ड, 10th और 12th का मार्कशीट, SLC या तो फिर CLC जो भी आप बोलिए, TC, ठीक है, यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि आप जब 12वीं पास किए होंगे वहां से जो भी कॉलेज है तो वहां पे आपको CLC दिया गया होगा। ठीक है, बाकी रेसिडेंशियल मतलब निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट,
फोटो, ईमेल आईडी, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, यही सब आपका बेसिक लगने वाला है। और एक ये वाला जो अभी आपने ऑफर लेटर डाउनलोड किया है ये वाला, ठीक है। तो इतना सारा कुछ आपको क्या करना है, तो डाउनलोड करके ले जाना है दोस्तों, अटैच करके अपने कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि आपका एडमिशन चालू हो गया, लास्ट 5 अक्टूबर तक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, कितना पेमेंट लगेगा, सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा पूरा जानकारी। अगर कुछ भी डाउट है दोस्तों, तो आप सभी लोग वीडियो के कमेंट में जरूर डालिएगा अपना क्वेश्चन, उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द आपको देने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।